यहाँ सोने के लिए चरपाई, गद्दा, रजाई, पीने के लिए आरओ का पानी, समय से नाश्ता पानी, खाना, दोपहर में फ्रूट मिलता है। यहाँ तीनों टाइम नाश्ता मिल रहा बढ़िया से, और दिन में भोजन मिल रहा बढ़िया से, और आरओ का पानी मिल रहा है, और रजाई मिल रहा है, गद्दा मिला हुआ है सोने के लिए, कोई व्यवस्था में कमी नहीं है, बढ़िया है। यूपी अब तक से, मैं असलम सिद्दीकी। कोरोना का खौफ पूरे देश में है, और जो बाहर से अपने घरों को लोग आ रहे हैं उन्हें 14 दिन के लिए गांव के बाहर स्कूलों में रखा जा रहा है, यानी क्वारंटाइन 14 दिन का उन्हें मुहैया कराया जा रहा है। वो घरों के बाहर स्कूलों में 14 दिन रह रहे हैं, और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी ग्राम प्रधान और अधिकारी देख रहे हैं। ऐसे में आज हम पहुँचे हैं सिसवा विकासखंड के ग्राम सिसवा बुजुर्ग में। यहाँ भी कुल 11 लोग बाहर से, दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, यानी तमाम शहरों से कुल 11 लोग आए हुए हैं और 14 दिन के लिए विद्यालय में हैं। इन्हें कौन कौन सी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, ऐसे हमारे साथ खड़े हैं इस गांव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गिरजेश जायसवाल जी, बात करते हैं कौन कौन सी सुविधाएं ये मुहैया करा रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी लोग बाहर से, कोई जयपुर से आया है, कोई लखनऊ से आए हैं, कोई नोएडा से आए हैं, इसी तरह टोटल 11 लोग हैं। इसमें कुछ लोग बीजापार के भी हैं, कुछ नगर पंचायत के भी हैं, कुछ हमारे यहाँ के भी हैं। इनको सुबह के समय नाश्ता भी दिया जाता है, और समय से नियमित भोजन दिया जाता है, और दोपहर को फल जो भी रहता है मौके पर दे दिया जाता है, और टीचर को भी नाश्ता की व्यवस्था किया जाता है, और शाम को भोजन दिया जाता है, और यहाँ इन लोग को रहने के लिए चरपाई उपाई सब व्यवस्था करा दिया गया है। यहाँ 14 दिन के लिए लोग जो रखे गए हैं स्कूलों में, इनसे हमारी बात हुई है, ये लोग संतुष्ट हैं यहाँ की व्यवस्थाओं से, कि इन्हें अच्छा सा भोजन मिल रहा है, नाश्ता मिल रहा है, फ्रूट मिल रहा है। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि हमें घर जाने से अच्छा है कि यहीं रख जाएं। आप देखते रहिए यूपी अब तक।